नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरों की। झारखंड के धनबाद में छठ व्रतियों को गेहूं, नारियल वितरित किए गए। धर्म उत्थान समिति द्वारा छठ व्रतियों के बीच गेहूं, नारियल वितरण किया गया। खबर झारखंड के धनबाद में आस्था के महापर्व छठ पर्व के उपलक्ष्य में धर्म उत्थान समिति द्वारा छठ व्रतियों के बीच नारियल एवं गेहूं का वितरण किया गया। मौके पर पूर्व मुखिया रिंटू पाठक ने बताया, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भारतीय जनता पार्टी धनबाद ग्रामीण जयप्रकाश सिंह उपाध्यक्ष के सौजन्य से ये वितरण किया गया। वहीं उन्होंने ये भी बताया, छठ पर्व उपरांत छठ व्रत के लिए छठ घाट के स्वच्छता पर विशेष ध्यान रखा जाएगा। धनबाद जिला बीओमरो, पप्पू केवट की रिपोर्ट। छठ पूजा के शुभ अवसर पर सभी व्रतियों के लिए आज मंगल मूर्ति धाम के प्रांगण से गेहूं और नारियल का वितरण किया गया, जो कि सेवा और धर्म की संकल्पना को पूरा करते हुए हम सबों के बीच भारतीय जनता पार्टी धनबाद जिला ग्रामीण के उपाध्यक्ष श्री जयप्रकाश सिंह जी के सौजन्य से हर वर्ष यहां से वितरण किया जाता है और इस वर्ष भी ऐसा ही हुआ है। और आज से हम लोग छठ पूजा के कार्य में और ज़्यादा सक्रियता के साथ हम लोग इन्वॉल्व हुए हैं और आज से हम लोग के मोहल्ले में साफ सफाई का काम होगा, घाट का निरीक्षण होगा, घाट के साफ सफाई और घाट पर भी कुछ सेवा का कार्य संचालित होता है हम लोग के धर्म उत्थान समिति के माध्यम से, यही परंपरा है। होता है सेवा के रूप में क्या क्या बांटा गया श्रद्धालुओं के बीच? आज तो सिर्फ गेहूं और नारियल का वितरण किया गया है, और भी कार्यक्रम है, जैसे छठ घाट पर चाय का वितरण किया जाता है, खीर का वितरण किया जाता है, पारण के दिन में जो व्रत तोड़ते हैं उनके लिए यहाँ से कुछ फल वगैरह वितरण किया जाता है, जैसे नमकीन कुछ व्रत जब उपवास 3 दिन के बाद उपवास तोड़ती है तो हम लोग के माध्यम से यहाँ से कुछ नमकीन चौप पकौड़ी ये सारा चीज़ सभी घरों में भेजा जाता है। आपका परिचय? जी, मेरा नाम रिंटू पाठक है, पहले मुखिया का दायित्व निर्वहन कर रहे थे, अभी भारतीय जनता युवा मोर्चा का सेवा करते हैं। धन्यवाद।